हाय फ्रेंड्स, दीपक टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लाया हूं। दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अपना वॉलपेपर में अपना पिक लगाए या अपना मन मर्जी से जो जी में आए वो पिक अपना वॉलपेपर में सेव करें? अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें मैं आप लोग को दो तरीका बताऊंगा, एक इजी होगा, एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। बट इस दोनों प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी आए वो पिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दीपक टेक्नोलॉजी को आप लोग अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपना टॉपिक कि हम लोग कैसे अलग अलग पिक को अपना वॉलपेपर में सेव कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्लिक ऑन विंडो आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। फिर वहां पर जाने के बाद जो मतलब विंडो आइकॉन पर जब क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट में जो रहेगा सेटिंग का लिस्ट, उसको लेफ्ट में क्लिक कीजिएगा सेटिंग का ऑप्शन पे। सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप लोग कीजिएगा क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में जो ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग को एक ऑप्शन दिया जाएगा क्लिक ऑन बैकग्राउंड। क्लिक ऑन बैकग्राउंड पर जब आप जाइएगा तो उसके नीचे रहेगा चूज सेवरल पिक या फोटोज। तो आप लोग वहां पर जाकर कुछ फोटो या आप लोग चाहे तो अपना फोटो कैमरा से या मतलब वॉलपेपर पर, वहां पर आप लोग को अलग अलग पिक दिया रहेगा, आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको चूज कीजिएगा। चूज करने के बाद क्लिक बॉक्स अंडर ब्रिंट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के नीचे क्लिक बॉक्स रहेगा, उसमें आप लोग चूज करके कोई एक मतलब क्लिक ऑन वन ऑफ द ऑप्शन, कुछ ऑप्शन में से एक को क्लिक करके उस बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग चूज टू फिट लिखा रहेगा, वहां पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरीका से आप लोग अपना क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपना वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए हम लोग अपना मतलब एक इजी प्रोसेस जानते हैं कि कैसे हम लोग अपना वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसमें आप लोग सबसे पहले अपना कंप्यूटर का डेस्कटॉप पर जाइएगा। कंप्यूटर का डेस्कटॉप पर जाने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा। जो ही माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं सबसे नीचे पर्सनलाइजेशन लिखा रहेगा। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपको सेटिंग अपने आप खुल जाएगा। सेटिंग खुलने के बाद वहां पर थीम्स रहेगा, कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर रहेगा। वहां पर जाने के बाद आप लोग थीम्स में भी जाकर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बैकग्राउंड में जाकर स्लाइड शो के लिए, डेस्कटॉप का स्लाइड शो के लिए कोई पिक को चूज कीजिएगा या अपना पिक ही चूज कीजिएगा। उसके बाद चूज एज फिट कर दीजिएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है चेंज हो जाएगा आप लोग का वॉलपेपर। और आप लोग अपना मर्जी से जो भी आप लोग का दिल करे वो पिक को आप लोग अपना वॉलपेपर पर सेटिंग कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।